आसमानी, मैं कहूंगी कि मुझे लग रहा है आप अक्षय कुमार हो गए हैं हमारी इंडस्ट्री के, बिकॉज यू नो यू आर नेवर फ्री, बैक टू बैक फिल्म्स। इतना बड़ा तो सीन हुआ हमारे साथ क्या, जब वो एक जब हेलाओ में शूट कर रहे तेरी मेरी कहानियां की, अच्छा। जिन महल को, तो वहाँ पे एक हमला शमला हो गया। मेरा ये है कि मैं इसके इस फिल्म के अंदर मैं एक किराए का गुंडा हूँ, वो सबको कह रहा है कि मुझे हायर कर लो, मुझे कुछ थोड़े से पैसे दे दो तो मैं ये काम कर दूंगा। दिल दुखाया था आपने उस दिन मारी, ये क्यों बोला आपने? कोई सैलाब में मदद कर रहा है, कोई ये इंडस हॉस्पिटल के साथ हमने काम किया, इतना काम करते हैं, लेकिन हेडलाइन कोई और ही बनती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। मानी अपनी बहन के साथ आए हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि जरा तारुफ तो करवाएं हमें। जी, आयशा मिर्जा मेरे साथ है और आयशा भी इस फिल्म में है, बेशुमार थिएटर किया है उन्होंने, बेशुमार वॉइस ओवर्स की, मतलब एक जमाने में तो खाली ये और सानिया सईद और गजल सिद्दीक एक होती थी जो मॉर्निंग शो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तीन ही लोग होते थे जिनकी आवाज़ें कमर्शियल्स में आती थी, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया था, 15-20 साल काम ही नहीं किया। क्यों? और बिलाखिर बस अपने घर शादी एंड देन जैसे होते बच्चों के साथ आपकी कमिटमेंट डिफरेंट हो जाती है, तो फिर जिम्मेदारी भी फर्क पड़ जाता है उसमें, तो पहली तरजीह घर हो जाती है। जी जी, इसलिए नहीं कर सके, लेकिन ऑन एंड ऑफ मैंने टेलीविजन के लिए काम किया था, थोड़ा थोड़ा सा काम किया था। मूवी इज द फर्स्ट टाइम। ओके, द मूवी इज द फर्स्ट टाइम। जी, मूवी बिल्कुल पहली दफ़ा कर रही हूँ और इसकी झिझक भी ज़रा ज़्यादा है इस हवाले से, क्योंकि थिएटर भी एक लाउड मीडियम होता है। बिल्कुल, एंड थिएटर इज टफर आई वुड से, बिकॉज़ एवरीथिंग इज लाइव। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको लाइव वहाँ पे जो रिस्पांस मिल जाता है, लेकिन मूवी में चलें ठीक है, आपके पास चांसेस होते हैं रीटेक्स के, सब चीज़ों के बहरहाल, लेकिन ये है कि इन सब की हिम्मत अफजाई के साथ जो है मैंने कर लिया है। अब शौक भी था, एक्साइटमेंट भी। आयशा के मेरे सीन्स एक साथ नहीं है, अच्छा, और आयशा के सीन अलग हैं, और आयशा ने पहले अपना काम निपटा लिया था, मेरा काम बाद में स्टार्ट हुआ। ओ भाई, कांग्रेचुलेशंस, एंड इट्स योर फर्स्ट फिल्म। मानी ऑन द अदर हैंड, मानी मैं कहूंगी कि मुझे लग रहा है आप अक्षय कुमार हो गए हैं हमारी इंडस्ट्री के, बिकॉज यू नो यू आर नेवर फ्री, बैक टू बैक फिल्म्स, बैक टू बैक फिल्म। मुझे एक सवाल है कि बर्नट आउट नहीं होते आप? नहीं, फिल्म्स कितनी बन रही है, 10 बन रही होगी तो 6 में मैं हूं, लेकिन फिर भी हैं तो ना मानी, आई थिंक यू आर वर्किंग most than any other actor right now. Jaan, नहीं, like ये जो films है ना, सारी की सारी films जो थी ये COVID, pre-COVID, post-COVID इस तरह बनी है, 2 साल के gap से, तो हमें लग रहा है कि पटापट आ रही है, पटापट आ रही है, वो पटापट सबकी आ रही है। मानी ने तो जो है, मानी ने, हीरा ने तो मुझे टफ टाइम दे दी है, घर में ही हमें जो है, मतलब हमारे कंपेटिटर्स जो जैसे कहते हैं ना कि आपके कंपेटिटर्स कौन है, जो हमारी लगी तेरी मेरी कहानियां, हां जी जी बिल्कुल, आई सॉ द, दे आर वेरी गुड एक्टर्स, दे आर वेरी गुड एक्टर्स फॉर श्योर, हम तो कब से फॉलो कर रहे हैं यार, वी नो। अच्छा, माशाल्लाह आपकी दो फिल्में और आ रही है, तेरी मेरी कहानियां एंड अदर वन वाज, वो एक ये है और एक मैंने अभी साइन की जो कि इसका कोई नाम डिस्कस नहीं कर सकते आप उसके बारे में। तेरी मेरी कहानी का मैं ट्रेलर देखा यार, वाकई नवील कुरैशी तो यार आई थिंक वेरी यूनिक, ही इज अ वेरी वेरी नाइस, ही वाज द बेस्ट इन बिजनेस राइट नाउ। यार डर नहीं लगा वैसे, ख्वाब आते हैं आपको भूत बंगले के? नहीं मुझे, अच्छा वो फिल्म देखने के बाद नहीं मैंने किया है, वहां इतना बड़ा तो सीन हुआ हमारे साथ, जब वो एक जब हेलाओ में शूट कर रहे तेरी मेरी कहानियां की, अच्छा, जिन महल को, तो वहाँ पे एक हमला शमला हो गया था, याद है मुझे? अच्छा, it was that incident, तो इतना बड़ा नाइटमेयर हो तो गया हमारे साथ, तो अब हम हर तरह की शॉक के लिए तैयार हैं, अच्छा। हम शॉक ऑब्जर्व, शॉक प्रूव हो गए। तो हुआ क्या था एग्जैक्टली? कुछ टेक्निकल स्टाफ, उनकी लड़ाई हुई थी आम मोहल्ले वालों की, बढ़ते 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 200-300 लोगों का मॉब जमा हो गया था, जो पाकिस्तान में होता है, तो हम बच गए उसमें, जब हम उसमें बच गए तो हम किसी भी चीज में बच गए। अच्छा हाँ, नाउ आई पुट टू एंड टू, बिकॉज़ नबील कुरैशी ने बात की थी, अच्छा जी, ओके आई गेट इट नाउ। बाकी ये जो उमर इकबाल की फिल्म है विविलिशियस, ये प्योर फिल्म है, रोम कॉम है, चिक फ्लिक, मुझे थोड़ी मॉडर्न लग रही है, इट्स अ वेरी शॉट, वेरी इन अ वेरी मॉडर्न वे। यस, इट इज, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, मैं बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान में बहुत कम, क्योंकि बहुत अच्छे डायरेक्टर्स को बहुत, क्योंकि बहुत डिमांडिंग होते हैं, जैसे बिलाल अशारी है, जैसे हासिम हुसैन है, जैसे सरबत खूबसरत है, जैसे नवील कुरैशी हैं, उमर इकबाल भी उसी लीग में, अभी तक उनकी चीज़ आई नहीं, पहली आ रही है, ये उसी लीग में है बेसिकली। अगर मैं उनको एक साथ खड़ा करूँ तो मतलब 19-20 का फ़र्क होगा सब में, तो अगर आप ये देखेंगी तो आप कहेंगे इतनी अच्छी और इतने अच्छे कलर्स निकले हुए हैं, नीचे एक्टिंग हुई हुई है, इतना अच्छा काम है सबका, इनका काम, आयशा का काम बहुत अच्छा है इसमें, बहुत मज़े का काम है। ये तो मैं कहानी के हवाले से, तो अपने किरदार के हवाले से उस तरह से तो नहीं मैं अभी बताना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप सब लोग जो है मूवी देखने के लिए आएँ, थिएटर में आएँ और ख़ुद देखें और ख़ुद जो है वो अपने जो है फीडबैक हमें दें।
बाकी जहाँ तक ये है कि मेरे लिए वो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि फिल्म जो है वो मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत मज़ा आया उमर ईसा के साथ काम करके। इससे पहले हमने एक एयरवाई के लिए हमने एक सीरियल इनके साथ काम किया था जिसमें मानी और हिरा दोनों थे, सो वो भी कॉमेडी एक सीरियल था। सो वहाँ का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, फिल्म का एक्सपीरियंस एक बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो मुझे तो बहरहाल बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इनकरेज किसने किया दोबारा कमबैक करने के लिए? एक तरह कमबैक ही कहूँगी ना मैं। मैं आपको कहूँगी कि पहली मेरी ख्वाहिश थी, फिर मेरे भाई एक सबसे छोटे भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अब हमारे बीच में मौजूद नहीं है, हसन साकिब। अच्छा। तो उनका भी डायरेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। फिल्मी फैमिली है भाई। उमर और उसने मिलकर ये कंसीव की थी, जी जी बनाई थी, वो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन ये है कि उन्होंने आयशा को पुश किया गया। वो मुझे हर चीज़ में मतलब सभी मेरे भाई जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज करते रहे हैं। जितने अरसे मैंने काम नहीं किया लेकिन उसका जो है बहुत ज़्यादा ये था कि नहीं बाजी आप अपने आप को वेस्ट कर रही हैं, आप अपने आप को वेस्ट कर रही हैं, आपको काम करना चाहिए। फैमिली इंकरेज करती है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम लोग पूरी फैमिली का काम ही है, हम लोग सारे ज़्यादातर एक्टर्स हैं, अबू मेरे मरहूम जो थे वो एक्टर काफ़ी थे, तो जी बिल्कुल काम कर रहे थे, तो सब मेरी वाइफ एक्टर है, मेरे बच्चे भी मुझे लगता है वही हैं। अच्छा जी, कर तो रहे हैं मुजम्मिल इब्राहिम, तो हम सभी ये काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए काम है। इनके तो बहुत ज्यादा टैलेंट है ना, इन्होंने कहा कि हमें तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हीरा मानी इतनी टैलेंटेड जो है कि हमारी फिल्म में एक फिल्म के अलावा मतलब फैमिली में हमारा एक हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल, तो वो जो है हमारे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग चीज है। जो हमारी फैमिली में आ रहा है इसी काम में आ रहा है। मानी अपने रोल के बारे में मुझे बताएं, इन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, इट्स ओके, आई विल कैच द फिल्म फॉर दैट। अपने मदर के बारे में, मदर हूँ मैं इसमें, शाज़ीन राहत की मदर का किरदार मैं निभा रही हूँ, और जो है बाकी कहानी के हवाले से मेरा क्या है उसमें ट्रैक वो आप देखेंगी, मतलब सबका जो है एक मिलजुल के जो है आपस में इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। सो बेसिकली मैं शाज़ीन राहत की जो मैं आई गेस शी इज़ द सेकंड लीड इसमें प्ले कर रही हैं, तो मैं अच्छा उनकी मदर का किरदार निभा रही हूँ। मेरा ये है कि मैं इसके इस फिल्म के अंदर मैं एक किराए का गुंडा हूँ, फिल्म के अंदर वो मैं किराए का गुंडा हूँ, और वो सबको कह रहा है कि मुझे हायर कर लो क्योंकि मुल्क के हालात बड़े ख़राब है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उस वक्त भी चल रहा था 4 साल पहले 3 साल पहले, तो प्लीज़ मुझे हायर कर लो, मुझे कुछ थोड़े से पैसे दे दो तो मैं ये काम कर लूँगा। तो वो आखिर तक है, लेकिन उसके सीन्स कम है, सीन्स इतने नहीं, 4-5 सीन्स हैं मेरे, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक तरीके से अपीयरेंस कह लें इसके अंदर मेरी। और उमर क्योंकि फैमिली फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, और काफ़ी करीबी हमारा ताल्लुक है घर में, जैसे हमारी फैमिली के बहुत सारे मेम्बर्स हैं उमर भी हैं, और मेरी कंपनी भी है कोकोनट प्रोडक्शन उमर की मेरी एक साथ, तो ये कोकोनट प्रोडक्शन की फिल्म है, तो इसलिए मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछ लूँ आपसे भाई, आपने लास्ट एक इंटरव्यू में कहा था कि कंट्रोवर्सी से और ट्रोलिंग से हमारे पब्लिकेशंस के ना चूल्हे जलते हैं, कहा था ना, बड़ी बैकलैश मिला था। सही सही बिल्कुल, आप अभी भी अग्री करते हैं डिस्पाइट द बैकलैश? अभी मेरा शो शुरू हुआ है असफर मानी शो, और जिसकी हमने पहली क्लिप लगाई जिसके अंदर मैं बोल रहा था मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, वो एक मजाक था, किसी ने आगे देखा ही नहीं, उसको छापना शुरू कर दिया। तो भाइयों जर्नलिस्ट भाइयों, आप भी, मैं भी पहले जर्नलिस्ट ही था, काम करने से पहले मैं भी एक अखबार के साथ काम करता था, कहने का मतलब ये पहले देख लो है क्या चीज़ पूरी उसने लगा दिया। लेकिन दिल दुखाया था आपने उस दिन मानी, ये क्यों बोला आपने? क्योंकि कुछ का बोला था, वो मैं निदा यासर के शो में बोला था, मैंने कहा था यार कुछ मैगजीन्स हैं जो कि जिनका वाकई में मतलब जो अच्छी बात तो लगाते ही हैं, अरे भाई कोई सैलाब में मदद कर रहा है, कोई ये इंडस हॉस्पिटल के साथ हमने काम किया, इतना काम करते हैं, लेकिन हेडलाइन कोई और ही बनती है। बिल्कुल, जो हेडलाइन बनाते हैं मैं उनको कह रहा हूँ भाई कि तो फिर तो चूल्हे ही चले ना भाई, कंट्रोवर्शियल चीज़ से ना लगाओ, बाकी चीज़ें भी तो है हमारे यार, हाँ देख लें, थोड़ा ख्याल कर लें, है ना, ख्याल करेंगे तो हम भी ख्याल नहीं करेंगे, बता रहा हूँ। ये फिल्म देखा है सर, थैंक यू, दैट वुड बी ऑल, थैंक यू।